اللهم صل على محمد وآل محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. درود پڑھ دیجئے محمد والے. انہدام جنت البقیع کے عنوان سے جو آج کا درس منعقد کیا گیا ہے، کئی سارے پہلو ہیں کہ جس کے اوپر گفتگو کی جانی چاہیے، اور ہمارے پاس گرچہ کے وقت بہت ہے لیکن اس موضوع کے لیے وقت انتہائی قلیل ہے کہ تمام موضوعات پر گفتگو کی جا سکے. کوشش کریں گے کہ ہر موضوع کو اشارتاً ضرور آپ کی خدمت بیان کریں، تاکہ جو مختلف ابواب ہیں اس کے خود آپ زیادہ بہتر طریقے سے ان ابواب کو کھول سکیں اور اس کے اوپر تحقیق کر سکیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنت البقیع کو جو منہدم کیا گیا ہے، گرچہ کہ یہ واقعہ تقریباً 100 برس، اور اگر تھوڑا سا ہم دقیق بیان کریں تو 90 اور 100 برس کے درمیان یہ واقعہ پیش آ چکا ہے. اس واقعے کو 90 برس تقریباً گزر چکے، اور حقیقت یہ ہے کہ انہدام جنت البقیع کا جو آخری واقعہ پیش ہوا وہ 90 برس پہلے پیش آیا ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی جنت البقیع کو منہدم کیا گیا، اور خود سعود خاندان کے لوگوں نے جنت البقیع کو پہلے بھی مسمار کیا، اور وہ تقریباً 200 برس پہلے کی بات ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو سلفیت کے نام پر یا کسی اور نام پر جو مذہب و فرقہ قائم ہے، کیا وہ اپنے پاس علمی دلائل رکھتا ہے، قرآنی احادیث دلائل لگتا ہے جس کی بنیاد پر وہ دوسرے فرقوں سے مختلف ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کسی دین میں انحراف پیدا ہوا ہے، اور آپ کسی بھی دین کو اٹھا لیجئے، دین مسیحیت ہو، دین یہودیت ہو،
दीन इस्लाम हो, किसी भी दीन को उठा लीजिए, जब कोई इनहराफ पैदा हुआ है तो इनहराफ के वक्त जो बुनियादी वजह थी वो कभी भी इल्मी वजह नहीं थी। आज शायद लोग ये समझते हों कि उनके पास दलाइल मौजूद हैं, आज शायद लोग ये समझते हों कि उनके पास कुरानी आयात मौजूद है, अहादीस मौजूद हैं, उनके पास दूसरे सबूत मौजूद है, जिसकी वजह से वो इख्तिलाफ करते हैं और कहते हैं कि नहीं, कब्रों को नहीं बनाना चाहिए, कब्रों की ज़ियारत नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब ये चीज़ पहली दफ़ा दीन इस्लाम के अंदर पेश आने वाली थी, उस वक्त उनके पास कोई इल्मी दलील नहीं थी। और जैसा मैंने अर्ज किया कि जब भी कोई इनहराफ का आगाज हो रहा होता है तो उसमें इल्मी दलील का होना बहुत ज़रूरी नहीं होता, ताकत और जोर और कुदरत का होना ज़रूरी होता है, और इसी वजह से आमतौर पर इनहराफात पैदा होते हैं। हत्ता दीन मसीहत की अगर बात की जाए तो दीन मसीहत में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जनाब शमऊन अलैहिस्सलाम को वसी होना था और उनके पैरोकार होने चाहिए थे और वो जनाब ईसा के दीन को आगे बढ़ाते। लेकिन वहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि जनाब शमऊन के मुकाबले पर एक शख्स के, जिसे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ तरीके से ताबीर किया गया है, उसे पोलस भी किया कहा गया है, बोलस भी कहा गया है, ये वो शख्स है कि जो पहले यहूदी था और बहुत सख्त यहूदी था और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को गोया कत्ल करना चाहता था, बल्कि उसने सफ़र ही अपना इसलिए किया था ताकि कत्ल करे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को, और रास्ते में कहता है कि मुझे बशारत ये हुई कि नहीं, जो हकीकी दीन है वो दीन मसीहत है, लिहाजा उसे कबूल करो। मैंने दीन मसीहत को कबूल किया और फिर उसके बाद मैं दीन मसीहत को फैलाने और तरवीज का काम करना चाहता हूँ, और वो शुरू किया। तो उसके बाद जब उसने दीन मसीहत को फैलाया है तो इस कदर उसने शोहरत पाई कि जितनी शोहरत जनाब शमऊन अलैहिस्सलाम को भी नहीं थी। जनाब शमऊन अलैहिस्सलाम भी कुछ शरीयत की बातों की रियायत करने वाले थे, जाहिर सी बात है कि नबी खुदा के जानशीन तो रियायत करने वाले थे, लेकिन ये शख्स रियायत नहीं करता था, हर एक को बस जनाब ईसा के नाम का गर्विदा बनाना और अपना जो है वो चाहने वाला और मुरीद बनाने के चक्कर में हर एक की बात को सुनना, और चाहे वो शरई बात हो गैर शरई बात हो, सभी की बातों को कबूल करना। इस तरीके से उसने तबलीग का आगाज़ किया, और जब ये तबलीग का सिलसिला चलता रहा तो लोग जनाब शमऊन के बजाय उस शख्स के ज़्यादा पैरोकार हो गए, और जनाब शमऊन जो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को नबी खुदा कहते थे, खुदा नहीं कहते थे, उनके बाद लोगों ने मानना छोड़ दी। और ये जो पोलस या बोलस नाम का जो शख्स था, मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर जो आया, इबरी ज़बान में, अरबी ज़बान में, फ़ारसी ज़बान में, उर्दू ज़बान में, इस शख्स के लोग ज़्यादा पैरोकार हो गए और ये कहना शुरू कर दिया इसने कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दर हकीकत इंसान ही नहीं थे, वो इंसानी शक्ल में भेजे गए थे, हकीकत में वो खुदा के बेटे थे जो लाए गए थे। और फिर ये अकीदा ईसाइयों के अंदर रिवाज पाने लगा, जबकि आज भी ईसाइयों में से एक गिरोह ऐसा है कि जो जनाब शमऊन अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करता है, लेकिन वो बहुत कम तादाद के अंदर है और आमतौर पर उसका तस्करा नहीं किया जाता, बरनामाई फ़िरका वो कहलाया जाता है। तो हर दीन के अंदर इनहराफ हुआ है, लेकिन इनहराफ की बुनियाद या शोहरत थी या इख्तदार और कुदरत या माल दौलत। दीन इस्लाम के अंदर भी जब इनहराफ का आगाज होता है तो उस वक्त उनके पास कोई इल्मी दलाइल नहीं थे कि हम जानशीन हैं, कोई इल्मी उनके पास बात नहीं थी कि हमारे कारनामे इस कदर ज्यादा हैं और पैगंबर अकरम ने हमें बनाया था नाइब, इसलिए हम जानशीन पैगंबर हैं। वो तो हकीकत में इख्तदार और कुदरत चाहते थे, लिहाजा हर तरीके से उन्होंने जोर लगा दिया, किसी को ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया बैत कर लेने के लिए, किसी को तलवार के जोर पर, बहुत सारी चीज़ों को मुअत्तल कर दिया ताकि किसी तरीके से माहौल ऐसा बन जाए कि लोग जो हकीकी जानशीन है उसको छोड़कर हमें अपना हमें जानशीन रसूल मान लें। तो इनहराफ का जब आगाज होता है तो उसमें इल्मी दलाइल नहीं होते, ये इल्मी दलाइल बाद में जो उनके पैरोकार होते हैं वो तलाश करते हैं, वो ढूंढते हैं कि हमारे जो बुजुर्गान ने काम किया था वो इस बुनियाद पर किया था, वो इस लॉजिक पर किया था, उसकी ये दलील थी, वो बाद में दलाइल तलाश करते हैं। लेकिन जब इब्तिदा में काम हो रहा होता है तो कोई इल्मी दलील के ऊपर काम नहीं होता। यही सिलसिला सलफियत का भी है।
इन्हिदा में जन्नत अलबकी का वाकया सही है कि 90 बरस पहले पेश आया, लेकिन सऊद और आले सऊद खानदान वो था कि जो पहले ही से चाहता था कि पूरे हिजाज पर हुकूमत करे और उनका कब्जा बढ़ता रहे। चुनाचे 200 साल पहले से इनकी कोशिशें जारी थी और उन्होंने कई सारे शहरों को जो मुसलमान इलाके थे वहां पर कत्लेआम किया है लोगों का। अब मैं आपकी खिदमत में थोड़े से फिगर्स पेश करूं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि इन्हिदा में जन्नतुल बकी का एक वाकया पेश आ गया, सही है, उन्होंने इमारतों को तोड़ दिया, जो गुंबद बने थे उन्हें तोड़ दिया, लेकिन किसी मुसलमान को तो तकलीफ नहीं पहुंचाई, किसी को अजियत तो नहीं पहुंचाई, कोई खूनरेजी तो नहीं की। अब देखिए कि उनकी दास्तान क्या है, किस कदर खूनरेजी की है सऊद और आले सऊद खानदान ने। तकरीबन 200 बल्कि कहना चाहिए तकरीबन 250 बरस पहले, सन 1187 1187 हिजरी में रियाज के इलाके में, जो रियाज आज के कैपिटल है सऊदी अरब का, उस इलाके में उन्होंने 30 साल के अंदर 4000 मुसलमानों को कम से कम शहीद किया। और उस जमाने में कोई एटम बम नहीं था, कोई ऐसा असला नहीं था कि एक जगह पर वो फट जाए तो जिसकी वजह से 50 लोग शहीद हो गए, जिसकी वजह से 100 लोग शहीद हो गए, नहीं, बाकायदा तलवार से शहीद किया जाता था। 4000 लोगों को सिर्फ 30 साल के अंदर रियाज के शहर में उन्होंने शहीद किया। और ये बर्बरियत देखकर जब लोग फरार करते थे, भाग जाते थे अपना शहर छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, तो कितने लोग ऐसे थे जो भूख और प्यास की वजह से हलाक हो गए। इसके अलावा इससे कुछ पहले की बात है, 1163 हिजरी के अंदर, 1163 हिजरी के अंदर शहर आईनई, आईन ये नून है, इस शहर के अंदर भी जब वो दाखिल हुए तो अब इसकी तादाद तो जाहिर सी बात है कि तकरीबन अब ये 250 साल पहले का वाकया हो गया। फिगर्स तो मौजूद नहीं, लेकिन ये जरूर मिलता है कि बेदर्दी से बच्चों को, मर्दों को कत्ल किया और औरतों को असीर बनाया, यहां तक कि उनके घरों को जला दिया, उनकी खेतियों को जला दिया, पूरा शहर वीराने में तब्दील हो गया, शहर ईनई। फिर सऊद और उसका जो बेटा मोहम्मद बिन सऊद, मोहम्मद बिन सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब एक ही जमाने के रहने वाले थे। मोहम्मद बिन सऊद के पास तलवार, ताकत और लश्कर मौजूद था और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के पास इल्मी दलाइल, कुरानी हवाले, अहादीसी हवाले मौजूद थे। ये दो शख्स आपस में जब मिल गए तो फसाद पैदा हुआ, मोहम्मद बिन सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। और हकीकत में जो वहाबियत फिरका है उसके बानी का नाम वहाब नहीं है, मोहम्मद है, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब उसका नाम है। और अजीब बात यह है कि जब अपने फिरके का नाम रखा तो अपने नाम पर मोहम्मदियत नहीं रखा बल्कि अपने बाप के नाम पर वहाबियत रखा। तो ये दोनों शख्स जब मिले हैं तो इन्होंने बहुत ज्यादा खूनरेजी बर्पा की हिजाज के इलाके के अंदर। और उसके बाद भी जो फिगर्स हैं वो बहुत ज्यादा है कि जो इन्होंने जहां जहां पर तबाही की है। अब एक एक के बारे में बयान करना भी बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगा, मैं फकत इतना अर्ज कर रहा हूं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और मोहम्मद बिन सऊद आपस में मिलने के बाद इन्होंने पहली मरतबा बुनियाद डाली इस चीज की कि मुसलमानों का कत्ले आम किया जाए। और अब जब कत्ल कर रहे थे ये, तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की सोच की वजह से मुसलमान को मुसलमान कहकर कत्ल नहीं कर रहे थे बल्कि मुसलमान को काफिर कहकर कत्ल कर रहे थे। मुसलमानों को काफिर कहकर कत्ल करने का एजाज जाता है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की गर्दन में। और अगर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की भी अफकार को देखा जाए तो इसका आगाज कहां से होता है? जो चार मशहूर फिरके हैं अहले सुन्नत के यहां, हनफी, मालिकी, शाफई और हम्बली,
इसमें जो हम्बली फिरका है जनाब अहमद इब्ने हम्बल, बास चीज़ों के अंदर जब मुसलमान मुख्तलिफ राय रखते थे तो मुख्तलिफ राय रखने वालों को बाकायदा बिदअती करार देते थे, जो इससे पहले कभी किसी आलिम दीन ने काम नहीं किया, लेकिन अहमद इब्ने हम्बल जो इनके नज़रियात के खिलाफ जाता था उन्हें बाकायदा बिदअती और कुफ्र का फतवा भी लगाया करते थे। इसके बाद इब्ने तैमिया का जब दौर आया तकरीबन उसके 500 साल के बाद, तो इब्ने तैमिया ना सिर्फ ये कि ये कहता था कि ये बिदअती हैं, हराम कर रहे हैं और काफिर हैं, बल्कि बाकायदा हुक्म देता था कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। जो हमारे फिक्र के खिलाफ है वो काफिर हो चुका है, लिहाजा उसे कत्ल कर दिया जाए। इब्ने तैमिया के 500 साल के बाद फिर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का दौर आता है और वो न सिर्फ ये कहता है कि कत्ल कर दिया जाए बल्कि बाकायदा ये काम करता है, और वाजिबुल कत्ल कहने के अलावा कत्ल का काम उसने अंजाम दिया है। तो इस तरीके से इस फिक्र को अगर देखा जाए और उसकी बुनियाद को तलाश किया जाए तो अहमद इब्ने हम्बल के यहां पर इसकी फिक्र मिलती है। इस फिक्र को मजीद आगे बढ़ाया इब्ने तैमिया ने, इब्ने तैमिया की मजीद सपोर्ट किया इस फिक्र को मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने, और फिर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को जब इस फिक्र को सपोर्ट किया गया तो उसके बाद अब अंग्रेजों का भी इसके अंदर हाथ है, लेकिन अभी अंग्रेजों के हाथ से पहले हम थोड़ा सा खुद मोहम्मद बिन सऊद और सऊद खानदान को अगर देखें तो सऊद का बेटा था मोहम्मद बिन सऊद, इसका पोता अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद बिन सऊद। जब ये बरसर इख्तदार आया तो इसने एक शहर पर हमला किया, सुलेमान बिन अब्दुल वहाब उस शहर का रहने वाला, और सुलेमान बिन अब्दुल वहाब ये वो शख्स है कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का भाई था। अब ये भी एक दास्तान है, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जो ये फिक्र लेकर आया वहाबियत की, इसके सबसे पहले जिसने मुखालिफत की है वो कोई और नहीं, खुद इसका अपना भाई सुलेमान था। सुलेमान बिन अब्दुल वहाब ही वो था कि जो खड़ा हुआ और अपने भाई के खिलाफ उसने कहा कि तुम जिस नजरिए के कायल हो वो नजरिए दुरुस्त नहीं है, और चूंकि वाजिबुल कत्ल समझता था लिहाजा इसने भी ये कहना शुरू कर दिया कि हकीकत में तुम खुद ही काफिर हो गए हो कि जो मुसलमानों का कत्ल का फतवा देते हो। चुनाचे सुलेमान और मोहम्मद ये दोनों जो भाई थे आपस में जानी दुश्मन बन गए, और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अपने दामाद अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद बिन सऊद जो सऊद का पोता भी है इसे भेजता है सुलेमान के शहर में, और वहां पर 100 से जायद कम से कम मर्दों को कत्ल किया गया और बाकी जो शहर था उसको वीरान कर दिया गया। 1167 हिजरी के अंदर ये वाक्य पेश आया। इसके बाद मक्का शहर को इन्होंने ताराश करने की कोशिश की, और वहाँ के जो मुकद्दस मकामात थे जन्नत बकी का मज़ार था, जाए विलादत पैगंबर थी उसको ताराश किया, जमजम के ऊपर जो कुआं बना हुआ था उसको ख़त्म किया, मिसमार किया, और जितने शाफ़ी मालिकी और हनफी मजहब के जो नमाज पढ़ने वाले लोग थे और अकीदा रखने वाले लोग थे उन सब को इन्होंने काफिर करार दिया और कहा कि तुम मस्जिद से बाहर निकल जाओ, सिर्फ अगर किसी को नमाज पढ़ने का हक है तो वह हम्बली फिरके के मानने वालों को है। इसके अलावा शहर कतीफ़ में मसलन इन्होंने जब हमला किया तो 1500 लोगों को शहीद किया शहर कतीफ़ के अंदर। शहर कतीफ़, शहर एहसा, ये वो दो इलाके हैं कि जहाँ पर शियों की आबादी बहुत ज़्यादा है, शिया नशीन इलाके के अंदर 1500 लोगों को शहीद किया। फिर शहर एहसा के अंदर 600 लोगों को के बारे में मिलता है कि उनको शहीद किया, और इस कदर ये हमले के अंदर शदीद होते थे कि औरतों को जब पता चलता था कि हमारे शहर में हमला हो गया, अब जाहिर सी बात है कि हमला होता था पुराने शहर के अंदर तो तलवारों से मर्दों को कत्ल किया जा रहा है, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, आग लगाई जा रही है, तो ये मंजर देखकर जो हामला खवातीन होती थी उनके हमल कितने ऐसे थे कि जिनके साकित हो गए, और वैसे ये मंजर देखकर कितने ऐसे थे कि जो हलाक हो गए। फिर न सिर्फ ये कि हिजाज तक ये महदूद रहे बल्कि करबला में भी इन्होंने हमला किया, इराक का रुख किया। करबला में सन 1216 हिजरी के अंदर 1216 हिजरी के अंदर इन्होंने जब हमला किया तो 4000 कम से कम
और बाज़ लोगों ने तादाद लिखी है 5,000, 8,000, और ये तादाद बढ़ती बढ़ती बाज़ ने लिखी है 15,000 लोगों को करबला में शहीद किया गया। और रूस का एक शख्स जो वहां पर मौजूद था, जिसने बाद में तारीख लिखी, वो कहता है कि बाकायदा मैंने देखा कि खून की नदी बह रही थी। सिर्फ ये मुहावरतन नहीं, बल्कि बाकायदा इस कदर खून बहा कि बाकायदा ये खून की धारें बह बहकर दरिया से मिल रही थी। फिर इन्होंने नजफ का रुख किया, और नजफ में भी वहां पर भी कोशिश की कि हरम को में दाखिल हों, वहां पर लोगों को कत्ल करें, मगर नजफ के लोगों ने मुकावमत की, इस्तकामत का मुजाहरा किया, और वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह ये दाखिल नहीं हो सके। अब जहां जहां ये पहुंचते थे, मसलन हिजाज में उन्होंने हमला किया, कतीफ में, एहसा में, मक्का में, मदीना में, करबला में, जहां जहां इन्होंने हमला किया, न सिर्फ ये कि मर्दों को कत्ल किया है, औरतों को असीर बनाया है, बल्कि वहां के जो खजाने होते थे उनको भी चुराते थे। और हकीकत में उनका यही मकसद था, न सिर्फ ये कि उन्हें मर्दों का कत्ल करना है, उनसे ही मतलब नहीं है, बल्कि वहां तक पहुंचना मकसद है कि जिसके बाद वो दौलत हासिल कर सके, हीरे जवाहरात हासिल कर सके, सोना चांदी ले सके, कि जो लोग हदिया करते थे हरम को, वो सारे जवाहरात और खजानों पर भी इन्होंने कब्जा किया, और इस तरीके से इन्होंने अपने आप को मजबूत किया माली एतबार से। फिर वहां से ताइफ और उम्मान पर भी हमला किया। ये तकरीबन दास्तान है 200 साल पहले की, जो सऊद और आले सऊद के खानदान की दास्तान है। इसके बाद तकरीबन 100 बरस का गैप आया है। 100 बरस के इस गैप के अंदर, और गैप आने की वजह भी ये थी कि सुल्तान सल्तनत उस्मानिया का जो अमीर था तूलून पाशा, तोए से तूलून पाशा और मोहम्मद अली पाशा, इन्होंने कई सारे इस फिक्र के लोगों को कत्ल किया, फांसी चढ़ाया और उनको तकरीबन शिकस्त दे दी, जिसके बाद ये उस जमाने में आसानी से पनपने नहीं पाए। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि दोबारा से ये फिक्र क्यों पैदा हुई, और आज ये इस फिक्र को इतना मजबूत हम क्यों पाते हैं, क्यों आज ये फिरका इस कदर मकबूल है कि शायद बहुत सारे सुन्नी तो इसी फिरके की तरफ रागिब हो रहे हैं। हकीकत यह है कि जब अंग्रेजों ने देखा कि अगर हम इस पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम करना चाहते हैं तो हमें या तो जो हमारी फिक्र के खिलाफ है उसे कत्ल कर दें, एक ये तरीका था, ये तरीका भी उन्होंने अपनाया, लेकिन जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया को कत्ल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें मशगूल किया जा सकता है ऐसे काम के अंदर कि आपस ही के अंदर लड़ते रहें, मरते रहें, कटते रहें, और हम सुकून से इनके ऊपर हुकूमत करें। यह बहुत बेहतरीन तरीका था। चुनांचे अंग्रेजों ने तकरीबन 200 साल पहले से लेकर और ये 100 साल तक तीन ऐसे मजहब की बुनियाद रखी है इस्लाम के अंदर कि जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। अब यहां पर थोड़ी सी मैं तवज्जो चाहूंगा, ये तीन मजहब कौन से थे कि जो इन्होंने कायम किए, इसको रिवाज दिया। एक मजहब है जिसका नाम है वहाबियत, दूसरा मजहब था जिसका नाम है बहाइयत, और तीसरा मजहब है जिसका नाम है कादियानियत। अजीब बात यह थी कि वहाबियत को जो इन्होंने रिवाज दिया उसके लिए एक इलाका चुना, बहाइयत के लिए दूसरा इलाका, कादियानियत के लिए तीसरा इलाका, और तीनों बहुत मेन इलाके थे कि जिसको अंग्रेजों ने चुना है और इंतखाब किया है, और उसके बाद इस दीन को रिवाज दिया है ताकि लोग जितने गुमराह होते रहें और इसी फिक्र के अंदर रहें कि भाई ये गलत है या सही है, और आपस में लड़ते मरते रहें ताकि हम अपना काम सुकून से करते। वहाबियत को जो उन्होंने बुनियाद रखी वो सऊदी अरब के अंदर हिजाज के इलाके में रखी, बहाइयत की जो बुनियाद रखी वो ईरान में रखी, और कादियानियत की बुनियाद हिंदुस्तान पाकिस्तान में रखी। और आज भी आप देखें, रमजान जब गुजरा है तो कादियानियत की आवाज बुलंद करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। ताज्जुब होता है, कादियानियत बहुत वाज़े इस्लाम से मुनहरिफ या अकीदा रखने वाले लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी इनकी आवाज उठाने वाले लोग मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ कि इनको फंड्स आज भी दिए जाते हैं, आज भी इनको सपोर्ट किया जाता है। तो वहाबियत की बुनियाद रखी गई सऊदी अरब के अंदर, रखने की बुनियाद वजह क्या थी। अब हर एक इलाके के अंदर जिस मजहब को रिवाज दिया गया उसकी खास वजूहात हैं,
और हमें तो अभी सारी वजूहत नहीं मालूम, लेकिन जिस जमाने में अंग्रेजों ने काम किया होगा यकीनन बगैर सोचे समझे तो ये काम नहीं किया होगा। जो वजूहत समझ में आती है वो ये है कि हिजाज का इलाका अहले सुन्नत का इलाका था और अहले सुन्नत की वहां पर अक्सरियत थी, लिहाजा वहां पर यह बुनियाद रखी गई। इसके अलावा सऊदी अरब का जो इलाका है वो ऐसी जगह पर वाकई है कि जहां पर एशिया और अफ्रीका आपस में मिलते हैं, अफ्रीका से करीब करीब का इलाका है, लिहाजा अगर कोई काम पड़ता हो सऊदी अरब यानी कोई काम पड़ता हो एशिया या अफ्रीका के अंदर, तो सऊदी अरब वो बेहतरीन जगह है कि जहां से दोनों तरफ से इंसान अपना काम करवा सकता है। तीसरी बात ये कि हिजाज और सऊदी अरब का इलाका वो है कि जहां पर पेट्रोल बहुत ज्यादा है, ऑयल के जखायर बहुत ज्यादा है, बल्कि दुनिया के अंदर दूसरे या तीसरे नंबर पर ये सऊदी अरब है कि जहां पर पेट्रोल के जखायर हैं, और अगर इंसान को अपना मुल्क चलाना हो और आज के इंडस्ट्रियलाइज दौर के अंदर उसके लिए पेट्रोल और ऑयल की बहुत जरूरत है, लिहाजा ये बेहतरीन जगह है, यहां पर सरमाएकारी की जाए। फिर सऊदी अरब के अंदर अरबी जबान बोली जाती है, जितने भी अरब ममालिक हैं सब पर कंट्रोल हो सकता है अगर सऊदी अरब पर कंट्रोल हो जाए। ईरान में फारसी जबान बोली जाती है, लिहाजा जहां जहां फारसी जबान बोली जाती है वहां पर कंट्रोल हो सकता है अगर ईरान पर कंट्रोल हो जाए। हिंदुस्तान में उर्दू जबान बोली जाती है या पंजाबी या सिंधी या सराइकी या इस किस्म की जबानें बोली जाती हैं कि जो उर्दू से करीब करीब हैं, अगर यहां पर कंट्रोल हो जाए तो जितनी भी ऐसी कौम और जितने भी ऐसे जबान रखने वाले अफराद हैं सब पर कंट्रोल हो सकता है। ये फिक्र मौजूद थी जिसके बाद अंग्रेजों ने रिवाज दिया है इन तीनों मजाहिब को, वरना आज कोई इब्ने तैमिया के नाम से वाकिफ भी नहीं था, आज किसी को मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के नाम का पता भी नहीं था। ये अंग्रेजों की इस कदर से पुष्पनाही मौजूद थी जिसके बाद आज ये मजहब जब इतना ज्यादा रिवाज पा गया तो अब लोग सवाल करते हैं कि कौन था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, कौन था इब्ने तैमिया, वरना जिस जमाने में इन्होंने जिंदगी गुजारी उस जमाने में खुद इन्हीं के लोग जो थे वो उन्हें कबूल नहीं करते थे, खुद इन्हीं के लोगों में इनका नाम मौजूद नहीं था। लिहाजा आज हमें बहुत सारी बातें इब्ने तैमिया के बारे में, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि उस जमाने के लोगों ने इन्हें मुहिम शख्सियत ही नहीं समझा कि इनके बारे में कुछ लिखा जाए। तो आज ये फिक्र जब बाकी रह गई तो अब हम सवाल करते हैं कि इनका बानी कौन था, इनकी बुनियाद रखने वाला कौन था। तो सलफियत को जो बुनियाद रखा गया है सऊदी अरब के अंदर उसकी ये वजूहत, फिर बाहियत को आप खुद ब खुद महसूस कर सकते हैं कि वहां पर ईरान के अंदर चूंकि शिया पॉपुलेशन ज्यादा है लिहाजा शियों को भी कंट्रोल करने के लिए, फिर ईरान वो इलाका है कि जो यूरोप से करीब है तो एशिया और यूरोप के दरमियान पुल की हैसियत रखता है ईरान, लिहाजा वहां पर एक कंट्रोल करने की वजह यह थी। फिर ईरान के अंदर गैस के जखायर सबसे ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा गैस के जखायर ईरान के पास मौजूद है, और चौथे नंबर पर पेट्रोल के जखायर मौजूद है। अगर वहां कंट्रोल कर लेता है तो ये अपनी सारी जो कुदरत है जो ईरान के पास है उससे इस्तेफादा कर सकेगा। हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करने की वजह क्या थी कि हिंदुस्तान मजहबी अकीदत रखने वालों की सबसे ज्यादा तादाद हिंदुस्तान के अंदर है, मजहबी जज्बात रखने वालों की सबसे ज्यादा तादाद हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर है। यहां पर आप किसी को भी अल्लाह रसूल सहाबा अहले बैत के नाम पर जो काम करवाना चाहे करवा सकते हैं। शिद्दत पसंदी हिंदुस्तान पाकिस्तान बर्रे सगीर के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है, लिहाजा अगर ये हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सरमाया होगा जो हमारे पास आ जाएगा, इन्हें किसी भी तरीके से कहीं पर भी लड़वाना हो, किसी से मुकाबला करवाना हो, किसी को कत्ल करवाना हो, आसानी से काम हो सकता है, जो आज हो रहा है। आज सबसे ज्यादा शायद कत्ल करने वाले यही बर्रे सगीर के लोग हैं कि जो एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। और इसके अलावा फिर हिंदुस्तान के अंदर ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसे नबातात, ऐसे पौधे, ऐसे फूल, ऐसे फल यहां पर उगते थे और उगते हैं कि जो दुनिया में कहीं नहीं उगते, लिहाजा इस एतबार से भी ये जरखेज मुल्क है, इस पर कब्जा इस एतबार से भी किया जा सकता है, इसके फवायद बहुत ज्यादा हैं। तो तीन मुख्तलिफ इलाकों में अंग्रेजों ने बाकायदा फंडिंग करके, बाकायदा पैसे देकर और ठीक ठाक पैसे खर्च कर यहां पर इन तीन मजाहिब की बुनियाद रखी। और जाहिर सी बात है कि ये पैसे आम आवाम को नहीं मिलते, जो हकीकत में लीडर होता है उस लीडर की जेब में जाते हैं। चुनांचे आज आप देखें कि
سعودی عرب کے جو خاندان ہیں شاہی خاندان وہ پورے مکہ مدینہ پورے اسلامی حکومت پر ریاست کرنے والا قدرت رکھنے والا ہے, لیکن اس کے باوجود جب اس کے گھر کی حالت دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے یورپ اور امریکہ کے اندر بھی جو صورتحال نہیں ہوتی گھروں کے اندر, وہ ان کے گھروں کے اندر صورتحال ہے, جس کی بات کبھی کبھار کلپس آتی ہیں, کبھی کبھار جن کے گھروں کے بارے میں جو ان کے نوکر ان کے خادمین ہوتے ہیں جب انہیں فارغ کیا جاتا ہے تو وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے گھروں میں کیا کیا دیکھا ہے. تو وہاں پر بھرپور پیسہ خرچ کیا انگریزوں نے, جس کے بعد یہ تین مذہب رواج پائے. پھر اب جو پہلے میں نے عرض کیا کہ محمد بن سعود اور محمد بن عبد الوہاب نے مل کر آغاز کیا بربریت کا, خون ریزی کا, اس کے بعد 100 برس کا ایک گیپ آیا سلطنت عثمانیہ کے امیر کی وجہ سے. اس کے بعد اب جب بنیاد رکھی گئی وہابیت کی اور سعودی عرب کی, تو باقاعدہ قانون کی بنیاد پر, اصولوں کی بنیاد پر یہ بنیاد رکھی گئی, اور اس ملک کا باقاعدہ ایک نام تجویز کیا گیا المملکت السعودیہ العربیہ, یا المملکت العربیہ السعودیہ, المملکت العربیہ السعودیہ, یعنی یہ حکومت ہے عربوں کی اور سعودی خاندان کی. وہ جو اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے ہیں باقی سب کو کافر قرار دیتے ہیں, انہوں نے جب اپنے ملک کی بنیاد رکھی تو اسلام کے نام پر نہیں رکھی, اپنی قوم عرب قوم کی بنیاد پر اور اپنے خاندان سعود خاندان کی بنیاد پر رکھی, نام رکھا المملکت السعودیہ المملکت العربیہ السعودیہ, کہ ہمارے ملک عربی ملک ہے, ہم عجمی ملک سے تعلق نہیں رکھتے, اور اس ملک کا جو سربراہ ہے اور جو لیڈرز ہیں وہ سعود خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا غیر سعود خاندان سے تعلق نہیں ہے. باقاعدہ اجارہ داری ان کی خاندان کی شروع ہو گئی سعودی عرب کے اوپر. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب جنت البقیع کو مسمار کیا, جنت المالا کے مزارات کو مسمار کیا, دیگر مقامات کو مسمار کیا, تو باقاعدہ قانون کی بنیاد پر اب مسمار کیا. اب ایسا نہیں کہ انہوں نے ایک حملہ کر دیا اور ایک ملک ایک شہر کو تاراج کیا اور خون ریزی کی, اب ایسی کوئی بات نہیں تھی. باقاعدہ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ جنت البقیع کے ایک ایک مزار کو انہوں نے مسمار کیا, برابر کیا, اور مکمل طور پر جنت البقیع کے مزار کو اور قبرستان کو ویران کر دیا, جنت البالا کے مزار کو مکمل طور پر ویران کیا. اب آپ وہاں پر قبر جا کر دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ساری قبریں برابر ہوں گی, کہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی کو زیادہ توڑ دیا اور کسی کو کم توڑ دیا, اور ایسی کیفیت ہو کہ جیسے یہاں پر کوئی حملہ ہوا ہے اور حملہ ہونے کے بعد جو بعض قبریں بچ جاتی ہیں بعض قبریں ٹوٹ جاتی ہیں, ایسی کوئی کیفیت, ایسی کوئی کیفیت نہیں. باقاعدہ بہت سسٹمیٹک کام کیا اور ساری قبروں کو انہوں نے اس طریقے سے برابر کیا. اب یہاں سے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام انہوں نے کس بنیاد پر کیا, کون سی قرآن کی آیت کہتی ہے, کون سی حدیث کہتی ہے, کون سی تاریخ کے اندر کون سے مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ کام کیا جانا چاہیے. اب یہاں سے علمی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. ایک درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. قرآن مجید کی کسی آیت میں یہ حکم نہیں آیا نہ کافروں کے بارے میں, نہ مشرکوں کے بارے میں, نہ بے دینوں کے بارے میں, کہ ان کی جہاں قبر دیکھو, ان کا جہاں گنبد دیکھو, ان کی جہاں عمارت دیکھو, اس کو گرا دو, مسمار کر دو. اگر کوئی حکم آیا ہے جیسے مسجد زرار کے بارے میں, اگر کوئی حکم آیا ہے تو وہ اس بنیاد پر آیا ہے کہ یہ فتنے کی جگہ ہے, یہ فساد کی جگہ ہے, یہ مسلمانوں کے اندر اختلاف کی جگہ ہے, یہاں سے ظلم پیدا ہوتا ہے, وہ باتیں مختلف ہیں. لیکن اگر ایک یہودی ایک عیسائی نے اپنے کسی ڈاکٹر کا اپنے کسی بڑے لیڈر کا ایک مزار بنایا ہے گنبد بنایا ہے, تو کیا کسی مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے مسجد اس کی گنبد کو توڑ دے؟ کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی عیسائی لیڈر کے گنبد کو کہ جو کوئی ایسے فتنے کا مرکز نہیں بنایا گیا ہے اسے توڑ دے. کہیں قرآن کی کسی آیت نے نہیں کہا. اگر توڑنے کا حکم نہیں ہے, ہم نے توڑنے کے اندر تو کام نہیں کیا, لیکن کیا وہاں جا کر زیارت کر سکتے ہیں, وہاں کھڑے رہ کر زیارت کر سکتے ہیں؟ یہ زیارت کرنے بھی آپ کو معلوم ہے کہ نہیں دیتے, تو کیا زیارت نہیں کرنا چاہیے؟ کیا قرآن نے کہا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے لیکن اس آیت کو
سابقے اور لاحقی کے ساتھ دیکھا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا حکم کیا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 84، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 84 کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے رسول آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں. یا نماز جنازہ کے معنوں میں صلی صلاح سے نکلا اور صلاح کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک نماز کے معنی ایک دعا کے معنی. آپ ان کے لیے دعا نہ کریں کہ جو مر گئے ہیں، آپ ان کے لیے نماز جنازہ نہ پڑھائیں کہ جو مر گئے ہیں، کبھی بھی آپ یہ کام نہ کریں ابدا. ولا تقم علی قبرہ، اور نہ ان کی قبر کے اوپر آپ کھڑے رہیں. ان کی قبر کے پاس کھڑے رہنا بھی مناسب نہیں ہے، لہذا وہاں پر کھڑے بھی نہ رہیں. لیکن یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کس کی قبروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کھڑے نہ رہیں، ان کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت نہ کریں. انہم کفروا باللہ ورسولہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کا کفر اختیار کیا اور رسول اللہ کا کفر اختیار کیا. مجھے بتائیے کہ کیا کبھی مولا متقیان نے، مولا حسن نے، مولا حسین نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ کفر خدا کفر رسول خدا اختیار کیا؟ جب ہم جاتے ہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ السلام علیک یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت آپ پر ہمارا سلام ہو. اللہ کی حجت ہیں آپ، اللہ کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، رسول خدا کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. السلام علیک یا ثار اللہ، السلام علیک یا ولی اللہ، اس طریقے سے ہم سلام کرتے ہیں. تو یہ جو اللہ کے پوری زندگی اللہ کے نمائندے تھے اور توحید کا پیغام عام کرنے والے تھے، ان کی قبروں پر اگر کوئی کھڑا رہتا ہے اور دعائیں مغفرت کرتا ہے یا نماز جنازہ پڑھتا ہے ان کی قبر کے پاس جا کر، یا کھڑا رہتا ہے اس قصے کے ایک محترم جگہ ہے، تو پھر قرآن مجید نے حکم نہیں دیا کہ یہ کوئی غلط کام کیا جا رہا ہے، یہ حرام کا کام کیا جا رہا ہے، بلکہ خود اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف اس وقت یہ حرام کام اور گناہ کا کام ہوگا کہ جب انسان ایسے لوگوں کے قبروں کے پاس جا کر دعائیں مغفرت کرے، ان کی قبروں کے پاس احترام کے ساتھ کھڑا رہے کہ جو کافر ہو گئے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ کافروں کا کوئی مکہ مدینہ سے کوئی تعلق نہیں کہ جن کے قبرستان کو بنایا گیا اور پھر انہوں نے مسمار کیا. اور پھر قرآن آگے کہہ رہا ہے وَمَا تُو وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور یہ مر گئے جبکہ یہ فسق و فجور کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے اور فسق و فجور کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے. کون لوگ؟ کہ جو کفر کرتے تھے اللہ کا اور رسول کا. تو قرآن مجید کی آیت یہ بیان نہیں کر رہی، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو کہ جو ساری زندگی خدا کا پیغام، رسول خدا کا پیغام عام کرنے والے تھے، ان کو احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور کئی ساری آیتیں اس سلسلے کے اندر آئی ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے صاحبان ایمان شعائر اللہ کی بے احترامی نہ کرو. شعائر اللہ سے کیا مراد ہے؟ شعائر اللہ یعنی وہ لوگ، وہ ہستیاں کہ جنہیں ہم دیکھتے ہیں، جن کی زیارت کرتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے. اور یہ تو وہ ہیں کہ جن کو زندگی میں کہا جاتا تھا کرم اللہ وجہہ، اے علی آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا یاد آتا ہے. اور پھر شاید شاعر اللہ ہی کی مثالیں بیان کی گئی ہیں، بلکہ بعض دوسری آیتوں کے اندر بھی مثالیں بیان کی گئی ہیں، اور اس آیت کے اندر بھی آگے بیان ہوتا ہے وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور جو حرام حرمت کے مہینے ہیں ان کی بے احترامی نہ کرو، ماہ محرم کی بے احترامی نہ کرو جو بے احترامی کی گئی. ولل ہدیا، اور جو قربانی کا جانور ہے اس کی بے احترامی نہ کرو. ولل قلائدہ، اور جو نشانی جس کے اوپر قربانی کے جانور کے اوپر لگائی جاتی ہے اور اس نشانی کے ساتھ اسے قربانی کے میدان میں رکھا جاتا ہے اور قربان کیا جاتا ہے، اس کی بے احترامی نہ کرو. یعنی کون؟ کہ جو اللہ کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا ہے، چاہے وہ انسان نہ بھی ہو، اس کی بھی بے احترامی نہ کرو، اس جانور کی بھی بے احترامی نہ کرو. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ خانہ خدا کے زائرین کی بے احترامی کرو. جب
ये वाकया 200 साल पहले मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और मोहम्मद बिन सऊद ने जब मक्का मदीना और इन जैसे इलाकों पर हमला किया, तो मक्का के अंदर जब इन्होंने हमला किया है तो 3 साल तक मक्का में हज नहीं हो सका, 3 साल तक जायरीन नहीं आ सके हज अंजाम देने के लिए, क्योंकि वो काबिज थे और किसी को अपने अलावा मुसलमान नहीं मानते थे, लिहाजा 3 साल तक हज मुअत्तल रहा है इनकी वजह से। दूसरी आयत जिसमें फिर हुक्म दिया गया है कि शायरुल्लाह की इज्जत करो, बेहतरामी ना करो, सूरह हज की आयत नंबर 32, सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 32 इरशाद होता है, वमन युअज्जिम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक्वल कुलूब, और जो शख्स शायरुल्लाह की ताजीम करता है तो ये दिलों के तकवे में से एक तकवा है। तकवे की भी कैटेगरीज है, एक हाथों का पैरों का जाहिरी आजा जवारे का तकवा है, एक जबान का तकवा है, और फिर एक दिल का तकवा है। जो बेहतरीन तकवा दिल का तकवा है, अगर वो हासिल करना चाहते हो तो शायरुल्लाह की ताजीम करो, उनका एहतराम करो, जिनको देखकर अल्लाह याद आता है। अब इसके बाद कुछ मिसालें हैं कि जो कुरान मजीद ने मुख्तलिफ आयतों के अंदर बयान की कि शायरुल्लाह में से कौन कौन हो सकते हैं। पहले तो हुक्म बयान कर दिया गया, 2 चीजें हैं, जिनको देखकर अल्लाह याद आता है उनकी तुम्हें इज्जत करनी है, बेएहतरामी नहीं करनी, यह हुक्म बयान हो गया। सवाल यह पैदा होता है कि किनको देखकर याद आ सकता है खुदा। कुछ मिसालें बयान कर दी कि मसलन वो जानवर के जिसको कुर्बानी के लिए पेश किया जाता है, उस कुर्बानी के जानवर को देखकर अल्लाह याद आता है क्योंकि हुक्म खुदा पर अमल किया जा रहा है। जो हराम महीने हैं उनको देखकर अल्लाह याद आता है, उनको उस महीने के अंदर कोई बेहतरामी नहीं होनी चाहिए, किसी को कत्ल नहीं करना चाहिए। फिर कुछ मिसालें और हैं कि जो मुख्तलिफ आयतों के अंदर बयान की गई, सूरह बकरा की आयत नंबर 185 के अंदर, सॉरी 158 के अंदर, सूरह बकरा आयत नंबर 158, इसमें मिसाल बयान की कि शायरुल्लाह में से एक मिसाल जो कुरान मजीद बाकायदा बयान कर रहा है, कयामत तक रहने वाली किताब, उसके अंदर बयान हुआ इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा की पहाड़ी ये शायर खुदा में से है। सफा और मरवा, सफा और मरवा की पहाड़ियां शायर खुदा में से कैसे हो गई? क्या ये खाने काबा के अंदर हैं? खाने काबा से बाहर हैं? क्या इनके ऊपर किसी नबी खुदा को शहीद किया गया? नहीं, नबी खुदा को शहीद भी नहीं किया गया। बहुत एक छोटा सा वाकया पेश आया, कुरान मजीद ने इस वाकये को अहमियत दी। वाकया क्या था कि जनाब इब्राहिम अपनी औलाद जनाब इस्माइल को तनहा छोड़कर रेगिस्तान में चले गए माँ के हमरा, और उस माँ ने अपने बच्चे की प्यास बुझाने की खातिर सफा और मरवा के दरमियान सही की, जिसकी वजह से जमजम जारी हुआ। नबी खुदा की प्यास को बुझाने के लिए जिस माँ ने तगोदो की है, उस नबी खुदा की प्यास को बुझाने वाली माँ की याद को जिंदा रखा गया, और वो नबी खुदा की जिसके नवासे को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया, उसकी याद को क्या हम जिंदा ना रखें? उसके जो मकामात हैं उसकी ज्यारत ना करें, क्या वो शायर खुदा में से नहीं होगा? जिसकी प्यास बुझाने के लिए उस माँ ने सफा और मरवा के दरमियान सही की और तगोदो की, जिसके बाद प्यास बुझ गई, वो शायर खुदा में से है, और वो 3 दिन का भूखा प्यासा खुदा की राह में कुर्बान कर दिया गया, क्या वो शायर खुदा में से नहीं होगा? और यहां पर ये बयान किया जा गया है, एक बहुत खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल हुआ कुरान मजीद के अंदर, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये नहीं कहा गया इन्ना सफा वल मरवता शाइरिल्लाह, मिन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। मिन का मतलब यह है कि कुछ मिसालें हम दे रहे हैं शायर खुदा में से, सफा और मरवा उन मिसालों में से एक मिसाल है। अगर मिन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो क्या तर्जुमा होता? कि सफा और मरवा शायर खुदा है, इसका मतलब मुमकिन है कि शायद दूसरे शायर खुदा ना हो, लेकिन मिन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब यह हुआ कि ये शायर खुदा में से कुछ हैं, ये बाज मिसालें हैं शायर खुदा की। फिर एक और मकाम पर जब एक और मिसाल बयान की गई शायर खुदा की, तो वहां पर भी लफ्ज मिन इस्तेमाल हुआ है, सूरह हज की आयत नंबर 36,
इरशाद होता है वल बुदना जालना हा लकुम मिन शाइरिल्लाह, और वो कुर्बानी का ऊंट कि जिसे तुम लेकर जाते हो उसे हमने करार दिया है तुम्हारे लिए शाइरुल्लाह में से। किसको करार दिया गया है? उस ऊंट को जिसको कुर्बान करने के लिए लेकर जाते हो। और वो इंसान के जो कुर्बान होगी अल्लाह के लिए, क्या वो शायर खुदा में से नहीं होगा? लकुम फीहा खैरुन, शायरुल्लाह में तुम्हारे लिए खैर मौजूद है। तो अब वाज़े हो गया कि इल्मी एतबार से अगर गुफ्तगू की जाए, कुरानी एतबार से अगर गुफ्तगू की जाए, तो कोई दलील कोई बात ऐसी नहीं आती कुरान मजीद की रोशनी के अंदर कि हम इन कब्रों की ज्यारत ना करें, इन कब्रों का एहतराम ना करें, बल्कि बार बार ये हुक्म दिया गया इनकी इनकी ताजीम की जाए, इनका एहतराम किया जाए, इनको देखकर खुदा याद आता है। बल्कि अब हमारे किताब के अंदर और हमारी किताबों के अंदर तो कई मकामात पर इसके फजाइल बयान किए गए हैं। और चले अब इस मौजू को अगर हम ज्यादा खोलेंगे तो बहुत वक्त निकल जाएगा कि न सिर्फ ये हुक्म दिया गया कि इनकी ज्यारत करो, बल्कि ये कहा गया कि इनकी अगर कोई ज्यारत करता है तो कभी कहा गया कि 70 हज के बराबर है, कभी कहा गया 70 उम्रे के बराबर है, कभी कहा गया 70 मरतबा जिहाद करने से अफजल है। और कोई अगर इनकी तामीर में हिस्सा लेता है तो कहा गया कि जैसे जनाब सुलेमान ने बैतुल मुकद्दस बनाया था, गोया उसका मदद करने वाला ये वो शख्स करा पाएगा कि जो इन कब्रों को बनाता। तो कुरान में तो बार बार एहतराम करने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा अब अहदीस की तरफ हम आते हैं। कुरान के बाद अहदीस को अगर देखा जाए तो खुद अहले सुन्नत किताबों के अंदर, ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूं कि उनकी किताबों में किस कदर अहदीस मौजूद हैं कि कब्रों की तुम ज्यारत करो, कब्रों के करीब जाओ, दुआ करो, नमाज पढ़ो, सलाम पेश करो। चंद एक रिवायतें आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। एक जगह पर इरशाद फरमाया पैगंबर अकरम खत्मे मरतब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाते हैं कि नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुम्हें मना किया था कब्रों की ज्यारत करने से, लेकिन अब फ़ज़ूरूहा, लेकिन अब तुम ज्यारत करो इन कब्रों की। पहले मना क्यों करार दिया गया था? इसलिए कि लोग बिलखुसूस जो मुसलमान नहीं थे, मसीहियत यहूदियत के मानने वाले थे, वो जब जाते थे इन कब्रों के पास तो इन कब्रों की न सिर्फ ये कि ज्यारत करते थे, उन्हें एहतराम देते थे, बल्कि बाकायदा सजदे करते थे। और उन्होंने इन्हें माबूद समझा हुआ था, बुत समझा हुआ था, और इन्हें जाकर सजदे किया करते थे। चूंकि ये काम करते थे लिहाजा पैगंबर ने मना फरमाया कि जो दौरे जाहिलियत के लोग अंजाम दिया करते थे वो काम ना करो। लेकिन अब जब जमाना तब्दील हो गया, लोग समझ गए कि सजदा सिर्फ खुदा को किया जाता है, सिर्फ खुदा वो है कि जो इबादत के लायक है। अलबत्ता वो कि जिसने अपनी जान खुदा की राह में कुर्बान की है, मोमिनीन है, सालेहीन है, शोहदा है, उनकी कदरदानी करने के लिए अब अगर कोई शख्स ज़ियारत करता है तो उसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं है। लिहाजा पैगंबर शाह फरमाते हैं फ़ज़ूरूहा, तुम इसकी ज़ियारत करो, फ़इन्नहा तज़्कुरुकुम अल-मौत, क्योंकि ये तुम्हें मौत की याद दिलाता है। ज्यारत के बहुत सारे फवायद में से एक ये भी है कि इंसान को ज्यारत जब इंसान करता है तो मालूम होता है, जाहिर सी बात है, कब्रिस्तान में अगर किसी वली खुदा की खबर नहीं है, किसी नबी खुदा की खबर नहीं है, किसी एक आम सी खबर पर जाता है तो एक तसव्वुर ये होता है कि आज ये सोया हुआ है, कल मुझे भी सोना है इसी खबर के अंदर, कल मुझे भी मरना है। तो मौत की याद, कब्र की याद, आखिरत की याद कब्रिस्तान में जाने से पैदा होती है। लेकिन अगर किसी वली खुदा की कब्र पर गया है, किसी नबी खुदा की कब्र पर गया है, तो ना सिर्फ ये कि मौत की याद पैदा होती है बल्कि उस शख्स की कदरदानी भी होती है। लोग कहते हैं कि कब्र पर जाकर लोग कब्र परस्ती करते हैं, कब्र परस्ती नहीं करते, कदरदानी करते हैं। लोग कब्र परस्ती नहीं करते, हक परस्ती करते हैं। लोग कब्र परस्ती नहीं करते, खुदा तरसी के अंदर मुबतला होते हैं। लिहाजा कब्रों के अंदर, कब्रों की तरफ जाने से इंसान को ये सारे फवायद हैं कि जो हासिल होते हैं, और
نہ صرف یہ کہ موت کی یاد آتی ہے بلکہ وہ افراد کی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور انہوں نے خدا کی راہ میں زندگی گزاری ہے ان کی قدردانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی اب کئی ساری روایتیں ہیں کہ جو یہاں پر میں نے ذکر کی تھی, لیکن اگر اسے پڑھا جائے گا تو کافی وقت گزر جائے گا. جو روایات کے اندر ذکر ہوا وہ آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا کہ اس کا کس قدر ثواب ہماری روایتوں کے اندر بھی موجود ہے اور پھر اہل سنت کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. باقاعدہ یہ روایت موجود ہے کہ ایک رات پیغمبر جناب عائشہ کی حجرے سے باہر نکلتے ہیں اور جناب عائشہ کو یہ گمان ہوا کہ کسی اور کے حجرے میں داخل ہونے کے لیے گئے ہیں پیغمبر, لہذا وہ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگی. دیکھا کہ پیغمبر مدینہ چھوڑ کر جنت البقیع کی طرف چلے گئے, اور جب جنت البقیع سے واپس پلٹنے لگے تو جناب عائشہ دوڑتے دوڑتے اپنے حجرے میں واپس آ کر لیٹ گئیں, لیکن چونکہ ان کی سانسوں کی آواز بلند تھی پیغمبر سمجھ گئے کہ جناب عائشہ یہ ان کے پیچھے پیچھے آئی تھی. سوال کرتے ہیں کہ کیوں تم میرے پیچھے آئی تھی, اس کی پوری داستان انہوں نے بیان کی. پھر پیغمبر نے بیان فرمایا کہ اے عائشہ تم بھی جنت البقیع جایا کرو اور قبروں کی زیارت کیا کرو. اور پھر جناب عائشہ سوال کرتی ہیں کہ میں جب زیارت پر جاؤں تو کیا کروں کیا کہوں, تو باقاعدہ سلام سکھایا گیا کہ قبروں کی طرف جاؤ تو اس طریقے سے سلام پیش کرو. اور وہ پھر مختلف روایتوں کے اندر مختلف انداز سے موجود ہے. مثال کے طور پر ایک روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ کہو السلام علی اہل القبور. ہمارے پاس جو روایتیں بعض دوسری موجود ہیں جس میں دیگر راویوں سے ذکر ہے کہ یہ کہا کرو السلام علی اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ, یعنی باقاعدہ سلام کرنے کا حکم دیا گیا. اور سلام انسان کسی دیوار کو نہیں کرتا, بے جان چیز کو نہیں کرتا, اس کو کرتا ہے کہ جو جاندار ہوتا ہے, سمجھ بوجھ رکھتا ہے, صاحب شعور ہوتا ہے. لہذا ہم جب سلام کر رہے ہیں تو یہ سلام کو سنتے ہیں. اور زیارت کا باقاعدہ جملہ ہے, آٹھویں سرکار امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے اندر یہ جملہ موجود ہے. کہ مولا جب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں تو تردون سلامی, آپ جواب سلام دیتے ہیں, لیکن ہمارے کان اور آپ کے آواز کے درمیان پروردگار نے ایک پردہ حائل کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہم ان آوازوں کو سن نہیں سکتے. تو نہ صرف یہ کہ ولی خدا نبی خدا بلکہ ایک عام مومن کو بھی اگر جو قبر میں چلا گیا ہے اس کو بھی سلام کیا جائے تو وہاں سے جواب سلام آتا ہے. اسی لیے پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا اے عائشہ جب قبرستان جائے کرو تو اہل قبر کو سلام کرو. تو یہ روایتیں بے پناہ کتابوں کے اندر موجود ہے, لہذا علمی اعتبار سے کوئی ایسا نقطہ پوشیدہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہے کہ نہیں ابھی اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور پھر فیصلہ ہونا چاہیے کہ کام جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اور سب سے بڑی دلیل یہ کہ 200 سال پہلے تک جتنے مسلمان گزرے ہیں, جتنے علماء گزرے ہیں, جتنے مفتی گزرے ہیں, جتنے مراجین, جتنے مجتہدین گزرے ہیں, کسی ایک نے بھی قرار نہیں دی حرام قرار نہیں دیا کہ قبرستان میں جانا حرام ہے, قبروں کو بنانا حرام ہے, لہذا اسے مسمار کر دیا جائے, وہاں پر جانے والے کافر ہو گئے, مشرک ہو گئے, واجب القتل ہو گئے. یہ 200 سال پہلے کون سا ایسا مسلمان آ گیا جو کہتا ہے کہ صرف میں مسلمان ہوں اس کے علاوہ سب کافر ہیں؟ گویا کہنے چاہتا ہے کہ پیغمبر کے بعد سے لے کر جتنے بھی لوگ آئے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے وہ سب کے سب کافر تھے, اس زمانے میں کوئی مسلمان نہیں تھا. یہ قبریں بنتی رہیں, اس کا احترام کیا جاتا رہا, لوگ آ کر زیارت کرتے رہے, اور کوئی اس زمانے میں کسی عالم نے اور کسی مفکر نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام غلط کام ہے. اب دو حدیثیں میں آپ کی خدمت میں ایسی عرض کر رہا ہوں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور بڑی عجیب حدیثیں ہیں. پیغمبر نے عجیب جملے ارشاد فرمائے ہیں اور غالباً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کے زمانے کے یعنی یہی جو فکر رکھنے والے افراد ہیں ان کے لیے پیغمبر کے جملے تھے. اور یہ میرا نظریہ نہیں ہے, یہ میرا خیال نہیں ہے, بلکہ ایک خود اہل سنت عالم دین جو مکہ سے تعلق ہے ان کا, شیخ احمد زینی دہلان, شیخ احمد زینی دہلان, دال ح لام الف نون,
फ़िक़्हे शाफ़ी से इनका ताल्लुक़ है, और मुफ्ती होने के साथ साथ फ़कीह होने के साथ साथ मुअर्रिख भी थे, और कई सारी किताबें उन्होंने लिखी, जिसमें से एक किताब इसका नाम था अलफितनतुल वहाबिया, और भी कई सारी किताबें हैं जो उन्होंने लिखी, शरह मतन अलफिया, तारीख़ुद्दौल इस्लामिया। वो ये कहते हैं कि ये जो दो रिवायतें हैं इसका इतलाक़ इसी फ़िरके पर होता है। सही बुखारी के अंदर दो रिवायतें मौजूद हैं, जनाब इब्ने उमर से है ये रिवायत कि कहते हैं काला, उन्होंने कहा ज़कर नबी, नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, परवरदिगारा हमारे लिए शाम के अंदर बरकत अता फरमा। फिर फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, और यमन में हमारे लिए बरकत अता फरमा। वहां पर जो लोग असहाब मौजूद थे उन्होंने सवाल किया कालू वफी नजदिना, आप नजद के बारे में भी दुआ फरमाइए कि नजद के इलाके में भी बरकत नाजिल हो, और नजद का इलाका वो है कि जहां से वहाबियत का आगाज हुआ है। तो पैगंबर ने जवाब दिया काला अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। पैगंबर ने दोबारा पुरानी दो दुआओं को दोहराया कि परवरदिगार हमारे लिए शाम में बरकत अता फरमा, हमारे लिए यमन में बरकत अता फरमा। और फिर अब रावी कहता है कि मेरा ख्याल है कि शायद तीसरी मरतबा जब उनसे ये कहा गया तो फिर पैगंबर ने बाकायदा ये जुमले का इजहार किया, फरमाया होना का अज़लाज़िलु वल फितनु व बिहा यतलु क़र्नु शैतान, फरमाया जो नज का इलाका है वहां पर जलजले और फितने पैदा होंगे और वहां से शैतान की सींग वाला शख्स खड़ा होगा। अब शैतान की सींग वाले शख्स से क्या मुराद है, खुद ज़ैनी दहलान ने भी लिखा है और दूसरे जो मुफक्किरीन उन्होंने भी लिखा है कि जब ये अमामा बांधते हैं तो अमामे का इनका अंदाज ऐसा होता था कि सामने की तरफ से दो पट्टियां बांधी जाती थी अमामे के ऊपर, कि दूर से अगर कोई शख्स देखेगा तो ये महसूस करेगा कि जैसे बाकायदा इनके सर के ऊपर दो पट्टियों की वजह से दो सींग बनी हुई है। पैगंबर ने इशारा फरमाया कि वहां से शैतान की सींग वाला शख्स खड़ा होगा, और अब जब सर्च करेंगे तस्वीर तो महसूस करेंगे कि जो बात बयान की गई है हदीस के अंदर वो किस कदर दुरुस्त और दकीक बात बयान की गई है, कि इनकी एक निशानी ये होगी कि ये सींग रखने वाले होंगे। इसके अलावा दूसरी जो हदीस है उसके अंदर मजीद और निशानियां बयान की गई। यह हदीस भी सही बुखारी के अंदर मौजूद है, हदीस का जुमला यह है कि अन अबी सईद अल खुदरी, अबू सईद खुदरी से ये रिवायत है अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम اللهم صل على محمد وعلى آل محمد कहते हैं कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया यखरुजु नासु मिन क़िबल अल मशरिकी, कुछ लोग मशरिक की तरफ से निकलेंगे व यक़रऊन अल कुरआन, और ये ऐसे लोग होंगे जो कुरान की तिलावत करने वाले होंगे, लेकिन ला युजाविजु तराकीहिम, लेकिन ये कुरान इनकी हलक से नीचे नहीं उतरेगा, इनकी जबानों तक रहेगा, इनके दिल में नहीं समाएगा। यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकु सहमु मिनर रमिया, और ये दीन से ऐसे खारिज हो जाएंगे कि जैसे तीर से कमान निकल जाता, कमान से तीर खारिज हो जाता है। ثم لا يعودون فيه, और ये दोबारा दीन की तरफ नहीं पलटेंगे। हत्ता यऊद अस्सहम इला फूतिही, जिस तरीके से कमान की तरफ दोबारा तीर नहीं आता। फिर सवाल किया गया पैगंबर अकरम से कि मजीद इनकी कोई निशानी बताएं, मा सीमा हम, इनके चेहरे कैसे होंगे। पैगंबर ने इशारा फरमाया काला सीमा हम अत्तहलीक, इनके चेहरे ऐसे होंगे कि ये अपने सर को मुंडवाने वाले होंगे, ये हलक करवाने वाले होंगे, और
आज जो अक्सर इनके पैरोकार हैं उनकी शक्लें आप देखेंगे तो इस कस्म की होती है कि अपने सर को मंडवाते हैं, और ये काम बाकायदा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने करवाया। न सिर्फ ये कि मर्दों को हुक्म दिया बल्कि खातून के साथ उसने काम किया, कहा कि इसके सर को भी मंडवाया जाए। और जब उसके सर को मंडवाया गया तो उस औरत का जुमला ये था कि तुमने हमारी जीनत को खत्म किया है, तुम्हारी जीनत परवरदिगार ने रेश करार दी है, दाढ़ी करार दी है, लिहाजा तुम्हें भी चाहिए कि तुम इस जीनत को अपनी खत्म करो। तुमने हमारी जीनत को खत्म किया है, तुम अपनी जीनत को भी खत्म करो। इस रिवायत का फिर जुमला यह है कि पैगंबर ने फरमाया कि ये हलक करने वाले होंगे, औ काला अत तस्बीद। बाज इसके अंदर ये बयान करते हैं कि इससे मुराद ये है कि या ये हलक करवाने वाले होंगे, ये अपने मूछों को तराशने वाले और काटने वाले होंगे, और ये सिफात भी इनके अंदर ज्यादा पाई जाती है। तो ये वो अलामतें हैं कि जो इनके बारे में पहले से ही जिक्र की जा चुकी थी कि ये इस किस्म के लोग होंगे। आखिरी चंद बातें मैं अर्ज कर रहा हूं अब एक दूसरे टॉपिक की तरफ। हमने बात का आगाज किया कि वहाबियत का आगाज कैसे हुआ, सलफियत का आगाज कैसे हुआ, इन्होंने किस किस किस्म से काम अंजाम दिए, न सिर्फ जन्नतुल बकी को मज़ारात को मिसमार किया बल्कि इसके अलावा कई सारे मजालिम जो इन्होंने ढाए। फिर इनके पास कोई इल्मी दलील, कोई कुरानी दलील नहीं थी बल्कि कुरान और हदीस इनके खिलाफ बयान कर रही है। तीसरी बात यह कि हत्ता इनके बारे में पैगम्बर ने पहले से ही बशारत दे दी थी कि ये आने वाली है कौम, लिहाजा इस कौम की निशानियां पहले से पैगंबर ने जिक्र फरमा दी। अब इनका मुकाबला, इनके साथ गुफ्तगू, इनके साथ मुजाकरा, इनके साथ मुनाजरा, इनके साथ मुकालमा कैसे किया जाए, इसके बारे में वैसे तो कुरान मजीद की आयत यह है कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ति अल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, कि लोगों को हिकमत के साथ, अच्छी नसीहत के साथ और अच्छे मुजादले के साथ और अच्छे मुजाकरे के साथ दीन की तरफ लेकर आओ। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि जो बहुत जुज़ई बातें होती हैं और बहुत अंदर की राज की बातें होती हैं जो हर एक नहीं जानता है, ऐसे अफराद जानते हैं कि जो इन्हीं से ताल्लुक़ रखते हो। लिहाजा मैं अब ऐसे शख्स का तस्करा कर रहा हूँ कि जो पहले खुद बहुत बड़ा वहाबी आलिम दीन था, फिर आहिस्ते आहिस्ते दूसरे रास्ते की तरफ आया, यहां तक कि शिया हुआ और आज बहुत बड़ा शिया आलिम दीन है। इनका नाम है डॉक्टर इसाम अली यहिया अल इमाद, या इन्हें डॉक्टर इमाद भी अगर आप सर्च करें तो उनके बारे में आप जान सकेंगे कि ये कौन सी शख्सियत रखते हैं। डॉक्टर इसामुल इमाद भी इन्हें कहा जाता है, डॉक्टर इसामुल इमाद। और बाकायदा इन्होंने शायद एक अपने दर्स के अंदर बयान किया, अब मेरे जहन में वो पूरी बात नहीं रही, कि सऊदी हुकूमत ने इनके सर की कीमत रखी है कि अगर कोई इनका सर लेकर आता है तो उसका इनाम $1 मिलियन है। तो हमारे एक उस्ताद थे, वो मजाक में कह भी रहे थे तालिबे इल्मों से कि जिनका शहरिया कम हो वो अपना शहरिया इस तरीके से बराबर कर सकते हैं। तो डॉक्टर इसामुल इमाद ये कुम के अंदर अब रहते हैं, कुम के अंदर दर्स देते हैं और बहुत बेहतरीन इनके लेक्चर्स होते हैं इस मौजू पर जो मुनाजराती गुफ्तगू होती है। उन्होंने किताब लिखी कि नकद वहाबियत अजदरून, फारसी में इसका तर्जुमा हुआ नकद वहाबियत अजदरून, यानि अंदर ही से वहाबियत को तनकीद का निशाना कैसे बनाया जा सकता है, यानि खुद उन्हीं की किताबों से उन्हीं के ऊपर कैसे तनकीद की जा सकती है, इसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी थी। फिर उन्होंने जो बात बयान की वो ये कहते हैं कि अगर इनका मुकाबला और इनसे मुनाजरा, इनसे गुफ्तगू करनी हो तो दो बातों का इंसान को जरूर ख्याल रखना चाहिए। पहली बात यह है कि इंसान को इल्मी तौर पर मजबूत होना चाहिए, कुरान की जो आयतें हैं वो याद हों या उनके रेफरेंसेस मालूम हो, अहादीस के रेफरेंसेस मालूम हो,
और तारीखी बातें मालूम हो कि इन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। इल्मी तौर पर इंसान को पहली बात यह कि मजबूत होना चाहिए, दूसरी बात जो उन्होंने बयान की बहुत ज्यादा अहम है वो ये है कि इंसान को अखलाकी तौर पर भी बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जो शख्स अपने आप को सही समझ रहा है और आप भी अपने आप को सही समझ रही हैं और जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो कायल होने के लिए गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, वो आपको कायल करने के लिए गुफ्तगू कर रहे हैं, तो कभी कभार वो ऐसे लफ्जों को इस्तेमाल करेंगे, कभी कभार ऐसी बातें कह जाएंगे कि जो इंसान के तहम्मुल से बाहर होंगी। लिहाजा वो ये फरमाते हैं कि जब इनसे बात की जाए, गुफ्तगू की जाए, तो बहुत तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ गुफ्तगू की जाए, अपने अखलाक को इंसान इतना बेहतरीन बना ले कि वो सुकून के साथ अपनी सारी बातों को कह दें, इसके बाद फिर आप एक एक करके इनकी बात को रद्द करें। और बाकायदा उनके अब मुनाजरे हैं जो होते भी हैं, और जाहिर सी बात है कि शहर कुम के अंदर मुकम्मल तौर पर इनको हिफाजत दी जाती है जब ये लेक्चर्स देते हैं और इनकी आमदोरफ्त होती है। ये जो वहाबी आलम दीन थे पहले, ऐसा नहीं है कि किसी छोटे लेवल के एक आलम दीन हो और अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में काम करने वाले हों। बाकायदा जो सबसे बड़ा मुफ्ती है सलफियों का, बिन बास, उस मुफ्ती के ये दर्स के अंदर 4 साल तक गए हैं, और फिर इन्होंने किताबें जब लिखी तो उसमें से एक किताब शियों के खिलाफ लिखना चाह रहे थे, और उसी किताब के दौरान इन्हें शियत के बारे में पता चला, शियों के इमामों के बारे में पता चला, उनसे मोहब्बत अकीदत बढ़ी और उसके बाद ये शिया बने। किताब का नाम जो लिखना चाह रहे थे उसका नाम भी उन्होंने जिक्र किया है अपनी किताब के अंदर। वो कहते हैं कि मैं जो किताब लिखने वाला था लिख भी चुका था, अलबत्ता वो छप नहीं सकी, और उससे पहले जब मुझे अंदाजा हो गया तो मैंने उसे मना कर दिया छापने के लिए। उस किताब का नाम था अस्सिलतु बैनल इस्नै अशरिया व फ़िरक़िल गुलात, यानि ताल्लुक क्या है शिया इस्ना शरी के दरमियान और गाली फ़िरक़ों के दरमियान। तो शियों को भी ये गाली फ़िरका साबित करने के लिए इस पर तहकीक कर रहे थे कि ये भी खुदा समझते हैं, मिसाल के तौर पर आइम्मा को, हज़रत अली को, और ये साबित करने के लिए जब वो अहादीस को पढ़ रहे थे तो पता चला कि वाकई अली के फ़ज़ाइल ही इतने ज़्यादा हैं कि जिसके बाद इन्होंने मज़हब हक्का को कबूल किया। ये कुछ एक बातें थी कि जो आपके सामने बयान की, अलबत्ता बहुत सारी बातें हैं जो रह गई हैं, और मैं सिर्फ एक आखिरी बात के साथ अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूं कि आज जब फंडिंग इन्हें की जा रही है बैरूनी ममालिक की वजह से भी, और खुद इनके अंदरूनी भी जो ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से, तो उस फंडिंग्स की वजह से आज सबसे ज्यादा जो तबलीग किसी दीन की और किसी मजहब की जा रही है तो वहाबियत है। तकरीबन ये शायद 20 साल पहले की रिपोर्ट है, जिस जमाने में इस कदर ना चैनल्स होते थे ना वेबसाइट्स होती थी, उस जमाने की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 10 मिलियन किताबें वो हर साल हज के मौके पर जायरीन को और हाजियों को देते हैं। 10 मिलियन से ज्यादा किताबें वो देते थे, आज शायद हम अपने आपका जायजा अगर लेना शुरू करें तो किताबों का, अभी जो कुतुब मेला लगा था बाज़ जगहों पर, खुद वहां पर पढ़ने वालों की, वहां का शौक रखने वालों की और किताबें कितनी छपी गई हैं इसका अंदाजा आपको भी बखूबी है, शायद 1 मिलियन तक भी उसकी तादाद ना पहुंची हो। वो हर साल 10 मिलियन से ज्यादा उस जमाने में कुरान तकसीम करवाते थे, और आज जाहिर सी बात है हाजियों की तादाद जितनी बढ़ गई है, हर साल किस कदर वो कुरान मजीद तकसीम करवाते हैं, और उसके अंदर जाहिर सी बात है उन्हीं का तर्जुमा है, उन्हीं की तफसीर है, और सिर्फ कुरान मजीद नहीं है बल्कि उसके साथ साथ कितनी और दीगर किताबें हैं कि जो अपने मजहब की वो तकसीम करते हैं। जो तादाद पहले की जिक्र की गई है, मिसाल के तौर पर 40,000 उनकी वेबसाइट्स मौजूद थी, अब तो 40,000 क्या, शायद 40 मिलियन उनकी वेबसाइट्स होंगी,
जो मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर अरबी, फ़ारसी, उर्दू, इंग्लिश, फ्रेंच और जितनी भी ज़बानें तकरीबन दुनिया जहाँ के अंदर बोली जाती है और मकबूल हैं, तमाम ज़बानों के अंदर वहाबियों ने काम किया है। फिर टीवी चैनल्स भी, सबसे ज़्यादा जो चैनल्स पाए जाते हैं किसी मज़हब के, अगर वो इस्लामिक चैनल है, इस्लाम के नाम पर बना हुआ चैनल है, तो सबसे ज़्यादा चैनल्स इन्हीं के हैं। केबल ऑपरेटर्स जितने हैं उनकी तादाद, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं दुनिया जहाँ के अंदर जितने भी हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्हीं के केबल ऑपरेटर्स हैं कि जो काम करते हैं। और टीवी चैनल्स भी अगर देखा जाए तो कुछ आलमी सतह के होते हैं, कुछ मुल्की सतह के होते हैं, कुछ सूबाई सतह के होते हैं। जिस जिस सतह की आप बात कर लें, सब के अंदर सबसे ज़्यादा चैनल्स इनके मौजूद हैं। और यह हमारे लम्हे फ़िक्रिया है कि अगर इनका मुकाबला करना होगा तो जाहिर सी बात है कि वो आवाम के जो नादान है, जो जाहिल है, जो नहीं जानते इनके बारे में, अगर उनका मुकाबला करना है तो इनके बारे में हमें भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा कि इनकी हिस्ट्री लोगों के सामने रखी जाए। और आज अगर कोई शख्स चैनल नहीं बना सकता, वेबसाइट नहीं बना सकता, तो कम अज़ कम वो व्हाट्सअप के जो खुद यूज़ करता है, वो फेसबुक के जो खुद यूज़ करता है, वो ट्विटर के जो खुद यूज़ करता है, वो सोशल अकाउंट जो खुद यूज़ करता है, उनके बारे में, इनके उनको इस्तेमाल करते हुए इनके बारे में मालूमात दी जाएं कि इनकी तारीख क्या रही है और इनके जो अकायद हैं वो कुरान और सुन्नत से मुतजाद अकायद हैं, तो यही शायद बहुत बड़ा काम होगा कि जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए हम कर सकेंगे। इंशाअल्लाह परवरदिगार तौफीक दे कि मोहम्मद वाले मोहम्मद का पैगाम हम दुनिया जहाँ के अंदर आम कर सकें। सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर चलने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले, ये माह मुबारक रमज़ान हमसे रुख्सत हो गया। माह मुबारक रमज़ान में जो हमने तेरे क़ुर्बत को हासिल करने की कोशिश की, हमने अपने आप को बदलने की कोशिश की, पालने वाले सारी ज़िंदगी अल्लाह वाला बनने की हम सबको तौफीक अता फरमा। इसी रास्ते पर रहने की हमें तौफीक अता फरमा। हिदायत के बाद हमें गुमराही के रास्ते की तरफ ना डाल दे। पालने वाले, जो जो जहाँ जहाँ शिया ने हैदर करार पर जुल्म ढाने वाले हैं, पालने वाले अगर काबिल हिदायत है तो इनकी हिदायत फरमा, अगर काबिल हिदायत नहीं तो इन्हें नीस्त नाबूद फरमा। पालने वाले, जन्नतुल बकी के मिसमार मज़ारात की तामीर नौ के असबाब जल्द जल्द पैदा फरमा। जन्नतुल माला और जहाँ जहाँ इन्होंने कब्रों को जो मुकद्दस मकामात मिसमार किया, पालने वाले उन तमाम की मज़ारात की तामीर नौ के असबाब जल्द जल्द पैदा फरमा। हम सबको चारदा मासूमीन की ज़ियारत नसीब फरमा। हज और उम्र की ज़ियारत हम सबको नसीब फरमा। पालने वाले तमाम मोमिनीन की जायज़ शरई हाजात को पूरा फरमा। जो रिस्क हलाल की परेशानी मुतना उनके लिए रिस्क हलाल अता फरमा। जो रिस्क हलाल कमार उनके रिस्क में बरकत वसत कसरत अता फरमा। पालने वाले तमाम मरीजों को शिफाए कामल और आजिल अता फरमा। तमाम मजालिम से इंतकाम के लिए अपनी आखिरी हुज्जत और हादी इमाम असर व जमा के ज़हूर में तआजील फरमा। हमें उनके आवान व अंसार, आशिकीन व मुहिब्बीन में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम برحمتك يا أرحم الراحمين يا صاحب السماء الجن الجن الجن